जीआरपी थाना ने एक युवक को पिस्तौल के साथ किया गिरफ्तार। संदिग्ध परिस्थिति में देख युवक के लिए तलाशी। चावर से नागौर ले जा रहा था पिस्तौल। आज रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 व 5 पर एक संपत राज नामक व्यक्ति संदिग्ध परिस्थिति में घूम रहा था। पुलिस ने शक के आधार पर उसकी तलाशी ली तो पुलिस को युवक की जेब से पिस्तौल बरामद हुई। पूछताछ पर युवक ने बताया कि वह पिस्तौल जावरे से नागौर की ओर अपने गांव ले जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। क्या घटना है और क्या कार्रवाई की? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सुनील कुमार डिविजनल DYSP महोधे कांवर टेम थाना अधिकारी महोदय जी के निर्देशन में थाना जैसे विशेष टीम ने गठित कांस्टेबल मान सिंह, कांस्टेबल सुरेश सिंह, कांस्टेबल गौर विक्रम के द्वारा आज प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 पे सघन गश्त करेंगे। एक शख्स संपत राज निवासी नागौर का जिसको संदिग्ध चालक ने चेक किया तो उसके जेब में एक पिस्टल बरामद हुई। प्रथम दृष्टया पूछताछ में उसने बताया कि जावरा से लेकर आया था और अपने गांव नागौर कौन से गांव ले जा रहा था नागौर किसी कार्रवाई को अंजाम देने जा रहा था या किसी वारदात को? नहीं, अभी तक कार्रवाई तो तफ्तीश चल रही है, कार्रवाई के अंजाम के लिए नहीं बताया इसने। क्यों लेके आया था कोई बताया? अभी लाने का अभी पूछताछ चाहिए उसे। ठीक है, नाम आपका? हेड कांस्टेबल जा रहा है। धन्यवाद। मोती कटला में लगी स्थायी लोक अदालत शिविर का 250 लोगों ने उठाया लाभ, कई मामले सुलझे। आज दरगाह क्षेत्र में स्थायी लोक अदालत लगाई गई जिसमें क्षेत्र के 250 लोगों ने इसका फायदा लिया। स्थायी लोक अदालत का उन लोगों को भी फायदा मिल रहा है जो न्याय के लिए पैसे नहीं खर्च कर सकते। क्षेत्र के लोगों ने स्थायी लोक अदालत को बहुत ही सराहनीय बताया। इस शिविर में गरीब नवाज वेलफेयर सोसाइटी का भी योगदान रहा। बताइए, आज अजमेर में दरगाह क्षेत्र में स्थायी लोक अदालत अजमेर का एक शिविर लगाया गया जिसमें जन उपयोगी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में जनता को अवगत कराया गया। आज स्थायी लोक अदालत तो सब जगह कायम है लेकिन जनता को ये नहीं मालूम कि इनका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। तो ये एक चेतना शिविर था जिसमें गरीब लोगों को जो पैसा नहीं खर्च कर सकते और न्याय के लिए तरस रहे हैं ऐसे लोगों को सेवा देने के लिए अनेक सेवाएँ हैं जो सार्वजनिक रूप से आराम से बिना किसी शुल्क के दी जा सकती हैं। ये स्थायी अदालत काम करती है। आज इस बारिश के भयंकर मौसम के बाद इतनी पब्लिक यहाँ पर इकट्ठी हुई और लोगों ने इसका सेवा का फ़ायदा उठाया जो मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे बीच स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष श्री चंद्रमान जी गुप्ता और पूर्णकालिक सचिव श्री राकेश जी घेरा विधिक मंत्रालय के यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने खुद जनता को संबोधित किया और उसका लोगों ने लाभ उठाया और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में इसी तरह की हम और भी लोक अदालतें लगाएंगे। और श्री रियाज अहमद मंसूरी जी, निजार भाई तथा श्री दिलीप जी भाई ने और इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को आयोजित किया जिसके लिए सब धन्यवाद के पात्र। नाम बताइए। राकेश शर्मा। पट्टे की मांग को लेकर हाथीगेड़ा निवासी शेषकरण ने कलेक्टर को दिया ज्ञापन। ADA ने शेषकरण के हाथीगेड़ा वाले मकान को अतिक्रमण बताकर करवाया था ध्वस्त, फिर BSUPL क्वार्टर में करवाया शिफ्ट पर नहीं किया आवंटित। हाथीगेड़ा निवासी शेषकरण आज अपने परिवार के साथ कलेक्टर के पास पहुंचा। शेषकरण का कहना है कि वह पहले अपने परिवार के साथ हाथीगेड़ा में रहता था लेकिन ADA ने उसके मकान को अतिक्रमण बताकर ध्वस्त करवा दिया और फिर BSUPL क्वार्टर में घर दे दिया, लेकिन पट्टा अभी तक आवंटित नहीं किया है जिसके कारण शेषकरण को पानी बिजली की मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। शेषकरण आज कहा कि उसने कई बार अधिकारी से मिल शिकायत की लेकिन आश्वासन के अलावा उसे कुछ नहीं मिला। आज कलेक्टर से मिल मांग करी कि इस कार्य को जल्द करवाएं ताकि मुझे मूलभूत सुविधा मिल सके। कहाँ से आए आप? हम अभी वर्तमान में BSUPL कॉलोनी में रहते हैं।
हमारे को हाथीगेड़ा से 28/12/2016 को अतिक्रमण मानते हुए एडीएन हटाया, और उससे पहले हमारे अध्यक्ष महोदय से बात हुई कि आपको हम 8 दिसंबर में आवंटन पता दे देंगे और आपको सभी सुविधाएं मिल जाएगी। लेकिन आज 18 महीने बीतने के बाद में भी हमारे को कोई कागज़ नहीं दिया, और कागज़ नहीं देने की वजह से ना तो हमारे पास लाइट है, ना हमारे पास पानी है, हम वहाँ का हेडपम्प का खारा पानी पीने को मजबूर है। इसलिए आप कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए, और इससे पहले भी हमने एडीएम महोदय से और यहाँ कलेक्टर साहब के भी ज्ञापन दे चुके हैं। बार बार जब एडीएम आते हैं तो वो सिर्फ हमारे को आसमान से लेकर वापस रवाना कर देते हैं, और इस गर्मी में हम रह नहीं पाते। आप क्या चाहते हैं सर? हम तो सर ये चाहते हैं कि हमारे को वहाँ के जो क्वार्टर दिए हैं उनका हमारे को कागज़ मिल जाए, आवंटन मिल जाए, ताकि हम बिजली पानी की जो हमारी मूलभूत सुविधाएँ हैं उनका लाभ लें। आपका नाम? मेरा नाम शेषकरण गोड़। यूथ कांग्रेस ने कलेक्टिव पर फूका योगी का पुतला का। यूपी में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के विरोध में यूथ कांग्रेस द्वारा चल रहे प्रदर्शन में योगी ने करवाया लाठी चार्ज, कलेक्टिव पर करी नारेबाजी। आज कलेक्टिव पर यूथ कांग्रेस ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूका। यूथ कांग्रेस का कहना है कि अमित शाह द्वारा नोटबंदी के दौरान 745 करोड़ का घोटाला किया गया था, जिस पर यूथ कांग्रेस द्वारा यूपी में शाह के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, तभी कांग्रेसियों पर पुलिस ने लाठियां बरसा दी। यूथ कांग्रेस ने कहा कि योगी इस चीज को सहन नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने लाठी चार्ज करवा दिया। उसी विरोध में आज कलेक्टिव पर पुतला फूंक कर नारेबाजी की गई। क्या हुआ, किस कारण से पुतला जलाया? लखनऊ में यूथ कांग्रेस द्वारा जो कार्यक्रम किया गया था 745 करोड़ का घोटाला जो अमित शाह ने नोटबंदी के दौरान किया गया, उसके विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने शांतिपूर्वक प्रोग्राम किया गया, और ये योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल सहा नहीं किया उसको, और उसने पुलिस द्वारा लाठी चार्ज कराया गया जो बिल्कुल ऐसे ने बिल्कुल योग्य नहीं है। और इसके विरोध के अंदर राकेश शर्मा जी लोकसभा प्रदेश अध्यक्ष यूथ कांग्रेस और शब्बीर खान महासचिव प्रदेश यूथ कांग्रेस द्वारा की नेतृत्व में आज योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाया गया है। लोकसभा महासचिव सैयद कुतुब चिश्ती। कांग्रेस में योगी का पुतला फूंका गया है, यहाँ पे 745 करोड़ का घोटाला करने की बात की, अमित शाह ने घोटाला किया गया है, उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे यूपी के अंदर युवा कांग्रेस कार्यकर्ता, जिसका योगी सरकार ने बर्बरता पूर्वक उनके ऊपर लाठीचार्ज कराया गया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और पूरे राजस्थान के अंदर अब इस तरह के प्रदर्शन होते रहेंगे, और इस बीजेपी सरकार को पूरे हिंदुस्तान से जहाँ जहाँ की सरकार है उसको उठाने का हम बीड़ा उठा चुके हैं, और आपको इस तरह के प्रदर्शन हर जगह मिलते रहेंगे। मोहम्मद शफी खान, राजस्थान प्रदेश सचिव, युवा कांग्रेस राजस्थान। आज शाम को होगा अजमेर कार्निवल का ग्रैंड फिनाले। 30 बच्चे पहुंचे फिनाले में, राहुल कुमार भट्ट देंगे फिनाले में प्रस्तुति। कई दिनों से अजमेर कार्निवल नामक शो का आयोजन सिटी स्क्वायर मॉल में चल रहा है। अजमेर ही नहीं बल्कि जयपुर, किशनगढ़, टोंक, मसूदा से भी बहुत टैलेंटेड बच्चों ने अपना टैलेंट इस शो में दिखाया है। शुरुआत में 100 बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। 4 राउंड होने के बाद ग्रैंड फिनाले में 30 बच्चे पहुंच चुके हैं। सिटी स्क्वायर के जनरल मैनेजर विक्रांत ठाकुर, प्रॉपर्टी मैनेजर मनोज शर्मा और इवेंट मैनेजर कुणाल धवर ने इस कार्यक्रम को नई सोच दी है। सिटी स्क्वायर मॉल इसी तरह के कई सारे इवेंट कराता रहता है। अजमेर कार्निवल का ग्रैंड फिनाले आज शाम 5 बजे से 10 बजे तक चलेगा, जिसमें अजमेर के बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर राहुल कुमार भट्ट आकर्षण का केंद्र रहेंगे। एलडीसी सरफराज रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े, आज कोर्ट में किया पेश। एसीबी ने सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के एलडीसी सरफराज को पकड़ा था रंगे हाथ, 4,000 ले रहा था रिश्वत। हाउसिंग बोर्ड निवासी विनोद कुमार मीना ने एंटी करप्शन ऑफिस पर लिखित रिपोर्ट पेश कर बताया कि उनके भाई को बाल संरक्षण गृह खोलना है, जिसकी पत्रावली उन्होंने सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के एलडीसी सरफराज को जयपुर भेजने के लिए दी, जिस पर सरफराज ने उनसे रिश्वत मांगी। इस मामले में सरफराज को पहले 6,000 रुपए दे चुके थे, फिर बाकी के 4,000 जब सरफराज ले रहे थे तो एसीपी ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। इसके बाद आज सरफराज को कोर्ट में पेश किया गया, वह सरफराज को 15 दिन तक जेल भेजने के आदेश दिए गए। सर क्या मामला है आपका? विनोद कुमार मीणा निवासी हाउसिंग बोर्ड पुलिस चौकी टॉप एंटी करप्शन चौकी पे रिपोर्ट पेश करके बताया, मेरे हाउसिंग लड़की की एक संस्था वो जो है बाल संरक्षण गृह खोलने की उन्होंने पत्रावली प्रेषित की है, उसके अंदर सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग का जो एलडीसी है सरफराज
वो 10,000 रुपये उसने मांग किए थे पत्रावली को जयपुर भेजने के लिए। 6,000 रुपये वो पहले ले चुका था और 4,000 रुपये कल दिनांक 26/6 को लेते टाइम वो थ्रेटन ट्रिप हुआ। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय कुमार मीणा जी ने उसको ट्रैप करके गिरफ्तार किया। राजकार्य से व्यस्त होने की वजह से उन्होंने अभियुक्त को जो है टोंक से यहाँ भिजवाया था। अधिकारियों के आदेश से मैंने उसको हमारी जो एंटी करप्शन कोर्ट है उसके अंदर भी पेश किया है, जिसको 15 दिन के लिए जो है JC के ऊपर भिजवाया गया। आज लॉटरी तय करेगी सफाई कर्मचारियों की भर्ती। पटेल मैदान में शुरू हो चुकी है लॉटरी, अब सफाई कर्मचारियों की भर्ती भाग्य भरोसे। राज्य सरकार द्वारा 22,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती पूरे राजस्थान भर में निकाली गई है, जिसमें अजमेर में 1115 भर्तियां होनी है। लगभग 4500 फॉर्म जांच के बाद सही पाए गए हैं। राज पटेल मैदान में लॉटरी सिस्टम रखा गया है। इन 4500 फॉर्म में जिसकी लॉटरी निकलेगी उसकी भर्ती पक्की हो जाएगी, लेकिन मैं बता दूं 4500 फॉर्म में केवल 1115 लोगों को ही भर्ती मिल पाएगी। तो आज की लॉटरी कर्मचारियों के भाग्य भरोसे रहेगी। इस मौके पर महिला बाल विकास मंत्री अनीता बदेल, निगम कमिश्नर हिमांशु गुप्ता, डिप्टी मेयर संपत साकला भी पटेल मैदान में उपस्थित रहे। राजस्थान की समस्त स्थानीय निकाय जो सभी स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के पदों पर लॉटरी के द्वारा भर्ती की जा रही है और पूरे राजस्थान में ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से लॉटरी निकाली जा रही है। ये बहुत बड़ा काम राजस्थान में हो रहा है। माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी द्वारा संवेदनशीलता के साथ में इन पदों पर भर्ती हो और जो समस्या से स्थानीय निकाय उस समस्या से उनको निजात मिले और वो जो है सफाई कर्मचारी उनको मिले और जिसके कारण से जो सफाई कार्य जो स्थानीय निकाय अपने शहरों को साफ करना चाहती हैं, स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहती हैं, वो शहर उनके स्वच्छ और सुंदर बने और उसके लिए बहुत बड़ा काम माननीय वसुंधरा जी ने और हमारे माननीय जो मंत्री महोदय हैं हमारे शीचन कृपाली जी उन्होंने किया है। और ये इसी बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको घोषित किया था, घोषणा की थी। कांग्रेस के लोग ये कह रहे थे कि ये सिर्फ घोषणा है, ये होगा नहीं, लेकिन मैं आज उनको ये कहना चाहती हूँ कि आज हम सबके सामने हैं, पूरे प्रदेश भर में आज ये भर्ती जो है हो रही है और लॉटरी के द्वारा हो रही है, सबके सामने हो रही है, कहीं छुप के एक बंद कमरे में नहीं हो रही है। तो इतनी ईमानदारी और पारदर्शिता से ये काम किया जा रहा है, मैं समस्त स्थानीय निकाय के अधिकारियों को और कर्मचारियों को भी बधाई देती हूँ, उनको भी शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने इतने अथक प्रयत्नों से इस काम को फलीभूत किया है। निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी और हमारे जो बहुत लंबे समय से प्रतीक्षारत हैं लोग कि हम सफाई कर्मचारी के पदों पर जाना चाहते हैं, उनको भी इससे राहत मिलेगी, वो भी इस भर्ती के माध्यम से उनको भी जो लिया जाएगा। तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा काम माननीय वसुंधरा जी ने और हमारे माननीय मंत्री महोदय ने किया है। अजमेर की जब मैं बात करती हूँ तो माननीय हमारे जो महापौर जी हैं धर्मेंद्र जी गहलोत, उन्होंने बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ में इस काम को किया है। निश्चित रूप से एक कमेटी बनाई है, उस कमेटी में उन्होंने उप महापौर जी को रखा है, पार्षदों को रखा है और पूरी कमेटी में 5 मेंबर्स उन्होंने तैनात किए हैं और सबके सामने हम ये इतने बड़े पटेल मैदान में आज देख रहे हैं कि इतने बड़े लोगों की उपस्थिति में यहाँ पर जो है ये लॉटरी का काम किया जा रहा है। तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जो लोग सफाई कर्मचारी के पदों पर आना चाहते हैं वो प्रयास ना करें उस तरह की। कुछ लोग हैं जो उनको गुमराह करेंगे, उनको भ्रमित करेंगे कि हम आपकी भर्ती करा देंगे, आप हमारे पास आइए, हमारे साथ चलिए, आप ये करिए वो करिए। तो मैं उनको भी कहना चाहती हूँ वो किसी भी तरह के गलत फहमी में बहकावे में ना आए, सिर्फ और सिर्फ ये उनके भाग्य पर ही निर्भर है क्योंकि लॉटरी में जिसका नाम आएगा उसी को ही ये पद मिलने वाला है। तो इसलिए किसी की सिफारिश नहीं चलने वाली है, किसी का और कुछ नहीं चलने वाला है, कोई लेन देन इसमें नहीं होने वाला है क्योंकि हमारे जो समाज बंधु हैं वो थोड़े इस विषय में भोले हैं, मैं ये कहूँगी, और भोलेपन के कारण से वो किसी भी जो गलतफहमी है उसमें आ सकते हैं। इसलिए मैं उनको सावचेत करना चाहती हूँ, उनको बताना चाहती हूँ वो किसी भी प्रकार के किसी भी जो है भ्रम में ना आए, किसी गलतफहमी में ना आए, किसी के बहकावे में ना आए
और ये जो भर्ती भी होनी है लॉटरी से जो होनी है वो उनके भाग्य से ही होनी है, किसी के कहने से या सुनने से नहीं होनी है। तो इतना मैं उनको कहना चाहती हूँ। डायरेक्शन से उसके तहत जिले की भर्ती आज हो रही है। सबसे पहले अजमेर नगर निगम की हो रही है क्योंकि डीएलबी से डायरेक्शन है अल्फाबेटिकल, तो उसमें हमने भूतपुर सैनिक, विकलांग और जो हमारी तीसरी कैटेगरी है उसकी हमने लॉटरी निकाली है। अब एससी में महिलाओं की लॉटरी प्रक्रिया। सर कितनी लॉटरीज और कितनी क्या हमारी 1115 की भर्ती है अजमेर नगर निगम की अगर बात करें, और लगभग 4300 फॉर्म हमारे जाँच में सही पाए गए थे जिनके लिए लॉटरी निकाली जाती है। अटल सेवा केंद्र में आयोजित हेल्थ डिपार्टमेंट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, कायाकल्प प्रोग्राम के बारे में विस्तृत चर्चा। कॉन्फ्रेंसिंग में 110 इंस्टीट्यूट के लोग उपस्थित। राज्य सरकार द्वारा अस्पतालों के लिए चलाए जा रहे कायाकल्प प्रोग्राम के तहत आज अटल सेवा केंद्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रखी गई, जिसमें जयपुर से अधिकारियों ने अजमेर के 110 हेल्थ इंस्टीट्यूट के उपस्थित व्यक्तियों से बात की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जानकारी देते हुए हमें हेल्थ मिशन के एस के सिंह ने बताया कि आज उपस्थित जनों को कायाकल्प से जुड़ा डेटाबेस कायाकल्प की साइट पर डालना होगा, वैसे में 3 जनों को चयन होगा जिसे इनाम दिया जाएगा। वीसी और आज की वीसी जो है कायाकल्प प्रोग्राम को लेकर के की गई है, इसमें अजमेर जिले के लगभग 110 हेल्थ इंस्टीट्यूशंस इसमें शामिल किए गए हैं, उनके MOIs, ब्लॉक के इंचार्जेस, इन सभी को बुलाया गया है। इसमें कायाकल्प की जो अपडेटेड साइट्स है उसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा और फर्दर जो इवेल्युएशन किए जाएंगे उसके पैरामीटर्स उनको बताए जाएंगे। ये अपना डेटा उस पर अपडेट करेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 लेवल पर उनका इवेल्युएशन किया जाएगा और जो उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे तो उसके अनुसार उनको इनाम की राशि भी जारी की जाएगी राज्य स्तर से। सर आज मीटिंग कौन ले रहे हैं और क्या है? सारे MOIs हमारे हैं, चिकित्सा अधिकारी जो है अपने विभिन्न हॉस्पिटल के इंचार्जेस सभी हैं, जिसमें अर्बन डिस्पेंसरीज है हमारी, PHC है, CHC है, ब्लॉक के इंचार्जेस। सर इस VC में कौन कौन मौजूद हैं अभी? अभी VC में कौन कौन मौजूद हैं अभी? अभी सभी VC हमारे डॉक्टर हैं, ब्लॉक CMO हैं, मैं खुद हूँ, आयुष डॉक्टर्स भी इसमें शामिल किए गए हैं सभी। देखिए राजस्थान सरकार का एक प्रोग्राम है कायाकल्प, जिसका मेन मकसद है कि हमारे जो अस्पताल है, PHCs हैं, CHCs हैं और जो हमारे चिकित्सा संस्थान हैं वो बिल्कुल उसी तरह से गुणवत्ता उनकी सुधार हो, दोनों लुक में भी और सर्विसेज के अंदर भी। उसके तहत अभी हमारा कई बार हमने बजट्स भी दिया हुआ है ताकि साफ़ सफाई रहे, हमारे जो अस्पताल हैं वो बिल्कुल प्राइवेट हॉस्पिटल के बराबर दिखे साफ सफाई में भी, और हमारी जो चिकित्सा व्यवस्थाएँ हैं वो भी हमारी जो ग्रामीण पब्लिक को या हमारे को आमजन को पहुँचनी है वो पूरी गुणवत्ता के साथ पहुँचे। इसी तहत कायाकल्प के अंदर काफ़ी कार्य किए जा रहे हैं। आप अगर आप देखेंगे तो हमारे कई अस्पतालों का फेस से लेके अंदर तक स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है, चाहे उनकी पलंगों की स्थिति है, बेडशीट की स्थिति है, चाहे उनकी अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन है, ये सारे बिंदु कायाकल्प के अंदर आते हैं, साफ़ सफाई से लेके उनके रंग रोशन, ताकि कोई ये ना लगे कि हम कहीं कहाँ आ गए हैं। CMH ऑफिस में आयोजित बैठक में शामिल टीकाकरण करने वाली टीम, समस्याओं की जानकारी लेने के लिए आयोजित बैठक। आज CMH ऑफिस में बैठक आयोजित की गई जिसमें टीकाकरण करने वाली टीम को बुलाया गया, वे उनसे जानकारी ली गई कि उन्हें किसी तरह की समस्या तो नहीं आ रही। आज की बैठक में बड़ी संख्या में ANM व मेल नर्स चिकित्सा विभाग के अधिकारी शामिल हुए। सर आज किस तरह की मीटिंग रही आपके? आज हमारे जिले के कोल्ड चेन एंडर्स मीन्स जो हमारे टीकाकरण की जो शीत श्रृंखला है उसको जो मेंटेन करते हैं उनके मीटिंग रखी गई थी। ये एक समीक्षात्मक बैठक थी, अगर किसी में कोई दिक्कत है, किसी को परेशानी है, उनकी जो वैक्सीन संबंधी कोई जान हुई है तो एक ओरिएंटेशन भी इनको बार बार समझाया जाता है एम्परिंग करके कि भाई टीकाकरण जो शीत श्रृंखला है वो एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वैक्सीन का जो आना और जाना, उस पर वैक्सीन टाइमली आ रही है, वैक्सीन टाइमली जा रही है, डिमांड्स कैसे आ रही है, किस तरह से आ रही है, और वो डिमांड्स का वेरिफिकेशन मेडिकल ऑफिसर्स और शीत श्रृंखला से संबंधित कोई जानकारी इनको जरूरत पड़ती है तो उसको भी स्टैंडर्ड देने का पूरा प्रयास किया जाता है। इस तरह किसी प्रकार की कोई अभी अभी तो हमारे पास कोई AFI रिलेटेड कोई इश्यूज़ अभी तक आए नहीं है, ये भी जिले के लिए अच्छी बात है और इनके बारे में इनको विस्तार में चर्चा करके ये पूरा कार्यक्रम पूरा किया जाए। सर किन लोगों को शामिल किया है मीटिंग में? इस पर देखिए कि हमारे जो वैक्सीन हैंडलर्स हैं, कहीं तो PHC पे तो कभी LHUs भी हैं, कहीं हमारे ANMs हैं किसी जगह पे, और कहीं हमारे जो मेल नर्स हैं वो भी इसका कोल्ड चेन का काम कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति हमारी शीत श्रृंखला को देखता है उसकी इस मीटिंग को बुलाया गया।
अजमेर में हुई मौसम की पहली बारिश, काफी दिनों से मौसम बनने के बाद कल शाम छलके बादल, लोगों को मिली गर्मी से राहत। काफी दिनों से अजमेर में घनघोर घटाएं छाई हुई थी, लेकिन बादल बरसने का नाम नहीं ले रहे थे। मंगलवार शाम को ऐसे बादल बरसे कि सुबह तक रुकने का नाम नहीं लिया। मौसम की इस पहली बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी। गर्मी के कारण लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया था, लेकिन बारिश के होते ही सब घूमने चौपाटी और आनासागर झील पहुंच चुके हैं। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग ऑन करें foreignhind.com, सच के साथ। Jungle.